दोस्तों, चाहे राजनेता हो चाहे सरकार हो, कितने भी वादे कर ले, कितने भी आश्वासन दे दें, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सच्चाई इनके वादों के सामने जुमले होते हैं। पिछले साल 2021 में यही समय था, नवंबर का, 20-25 नवंबर के आसपास में पंजाब में जो गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं वो पानी की टंकी पे चढ़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। और उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पंजाब के टीचर्स, हाँ मुख्यमंत्री भी हैं वो दिल्ली के और एक तरह से वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्होंने पंजाब के गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो कि टंकी पे चढ़े हुए थे उनसे कहा कि आप नीचे उतर जाइए, हम वादा करते हैं आपकी मांगों को सही जायज़ ठहराते हैं और हम आपको वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, मतलब बनेगी, अभी बनी नहीं है, बनेगी तो आपको परमानेंट किया जाएगा और जो आपकी मांगे हैं उन्हें मानी जाएगी। समझ ये नहीं आता कि हमें लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जिसकी सरकार है वो कुछ कर ही नहीं सकती और अपोजिट पार्टी जो है सब कुछ कर सकती है। मतलब उस समय कांग्रेस थी वहाँ की सरकार और अपोजिट में थी, मतलब चुनाव लड़ने के पक्ष में आम आदमी पार्टी थी और उन्होंने अपना प्रचार करना था, तो प्रचार के लिए उन्हें कुछ वादे तो करने ही थे। और वो वादे कितने जुमले निकलते हैं कि उन्होंने कहा परमानेंट आपको कर देंगे हम, आज 2022 महीना है अक्टूबर का, अब जो है सरकार बदल चुकी है और पंजाब में आज सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन चुकी है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान बन चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, आज भी वो अपनी मांगों को लेकर के उसी टंकी पे चढ़े हुए। अब समझ ये नहीं आता कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी ये टीचर्स तब भी टंकी पे चढ़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर, तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपकी मांगे जायज हैं, हम आपकी मांगों को सही ठहराते हुए आपकी पॉलिसी बनाएंगे, आपको परमानेंट करेंगे, रेगुलर करेंगे क्योंकि मांग जायज है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपका काम किया जाएगा, तो फिर समझ ये नहीं आता कि आज जब सरकार है आम आदमी पार्टी की, आज सब सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, तो वो फिर कर क्यों नहीं रहे, जब मांग जायज है, सही डिमांड है और करने को भी तैयार है तो करते क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज भी वो तब भी टंकी पे चढ़े हुए थे अपनी सेम मांगों को लेकर और वो आज भी उसी टंकी पे चढ़े हुए हैं। आप ये स्क्रीन पे देख पाएंगे, जो आपके लिए स्क्रीन पे मैं एक न्यूज़ की कटिंग दिखा देता हूँ जिसमें कि वो फिर से उसी टंकी पे चढ़े हुए हैं। इससे पहले पिछले महीने आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें कि भगवंत मान जी ने कहा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, अस्थाई शिक्षक हैं, उन्हें परमानेंट करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने वो बिल पास कर दिया है। तो जब सरकार उन्हीं की है और कैबिनेट की मीटिंग पास हो गई है तो फिर वो हो क्यों नहीं रहा काम, और अगर वो परमानेंट हो गए हैं तो टंकी पे क्यों चढ़े, सबसे बड़ा सवाल है। और जनता के सामने सच आना चाहिए। देखो होता क्या है, वो वही लोग जानते जो भुगत रहे हैं, मतलब
सच्चाई तो पंजाब के टीचर्स समझ रहे हैं, लेकिन जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के टीचर्स को रेगुलर कर दिया। दूसरी बात, अभी उनकी सरकार है दिल्ली में और यही वादा दिल्ली के गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स से भी आज से 10-12 साल पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब इन्होंने उनसे भी वादा किया था कि आपको परमानेंट करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। आज उनकी सरकार है, जैसे उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रेगुलर करेंगे, उसके तुरंत बाद उनकी सरकार बनी थी और वो 49 दिन की सरकार बनी थी और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उस बिल को पास कर दिया है, साइन कर दिए हैं, लेकिन ना इसे एलजी जीरो समझ रहा है ना बीजेपी वाले, मतलब ये सिर्फ जुमले होते हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी की तरफ गेंद उछालता है। पिस्ता कौन है? आम आदमी। पिस्ता है एम्प्लॉय। और आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति दिल्ली में भी वैसी है जैसे तब थी, सेम कंडीशन पंजाब के टीचर्स की भी हो रही है। और दिल्ली के बदौलत पंजाब में चुनाव जीते थे, अब पंजाब और दिल्ली के बदौलत आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है और वादे सेम हैं। सोचो, दिल्ली में भी सेम वादे थे कि आपको रेगुलर करेंगे, हुए नहीं। पंजाब में भी सेम वादा था, आपको रेगुलर करेंगे, हुए नहीं। सेम प्रॉमिस, सेम वादे, सेम आश्वासन गुजरात के एम्प्लॉयज़ को भी दिया जा रहा है कि आपको रेगुलर करेंगे, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है आपको न्याय दिलाएंगे। अब ये सोचो कि जब दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में लगभग तीसरी बार सरकार बनी है, पंजाब में भी बन चुकी है और ये कहा था कि आते ही हम आपका काम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। अब जब दिल्ली में नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद करेंगे कि गुजरात में होगा? हाँ, कुछ फ्री के बिजली और पानी वगैरह चल रहे हैं, फ्री के लेडीज़ों के लिए सफ़र हो रहा है, बट समझ ये नहीं आता कि उस फ्री से कितना खाएंगे। अगर बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए तो क्या फ्री का चाहिए होगा? नहीं, रोज़गार नहीं मिल रहा, फ्री का बांटे जाओ। वोट देने वाली तो फिर से वोट दे देगी क्योंकि सब कुछ फ्री है, लेकिन पब्लिक को सच्चाई पता होनी चाहिए कि दिल्ली में भी वैसी स्थिति है। कहा कुछ और गया, हो कुछ रहा है, सेम पंजाब में भी वही हो रहा और ये गुजरात में भी ऐसे होगा और पूरे देश में भी ऐसे ही होगा। थोड़ा सा आप लोगों की राय जानना चाहेंगे, इस पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए क्या कहेंगे, और जो आने वाला चुनाव गुजरात में होने वाला है उससे रिलेटेड आप के मन में क्या विचार सुझाव हैं, आप कमेंट में ज़रूर रखें अपने सुझाव विचार। बाकी वीडियो से सहमत हो तो उसे आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।